श्यामला ताल, चारों तरफ हरे बड़े पहाड़ों से घिरी हुई ये झील देखने में जितनी खूबसूरत है उतनी ही शांत भी है। अगर आप प्रकृति का आनंद लेना चाहते हैं, प्रकृति प्रेमी हैं, तो ये जगह आपके लिए जन्नत से कम नहीं है। तो मेरे इस सफर की शुरुआत होती है टनकपुर से। टनकपुर से ये जगह 27 किलोमीटर दूर है, तो इस 27 किलोमीटर के बीच में बहुत सारी जगह आपको देखने के लिए मिलेंगी जो बहुत ही खूबसूरत है। श्यामला ताल उत्तराखंड के चंपावत जिले में एक छुपे रत्न में से एक है। ये झील उन लोगों के लिए किसी खजाने से कम नहीं है जो प्रकृति की खूबसूरती के बीच शांति ढूंढ रहे हैं। ये झील करीब समुद्र तल से 1900 मीटर की ऊंचाई पे स्थित है। 1.5 किलोमीटर से ज्यादा चौड़ी ये शांत झील आसपास के हरे भरे जंगलों और ऊंचे पहाड़ों की खूबसूरती को अपने सीने में समेटे हुए है। नैनीताल से ये जगह आपको 4 घंटे दूर पड़ेगी। मतलब अगर आप भीड़भाड़ नहीं चाहते, किसी शांत जगह में रुकना चाहते हैं, तो आप यहाँ पे आ सकते हैं। झील के आसपास घूमने के साथ साथ आप यहाँ बोटिंग का भी मजा ले सकते हैं। झील के किनारे के आसपास खूबसूरत पहाड़ियाँ, जंगल का नज़ारा भी देख सकते हैं। कुल मिला के श्यामला ताल झील आराम फरमाने और प्रकृति की खूबसूरती में खो जाने के लिए एक बेहतरीन जगह है। यहाँ झील के किनारे आपको एक आश्रम भी देखने के लिए मिलेगा। इस आश्रम की स्थापना स्वामी विवेकानंद जी ने 1913 में की थी। अब यहाँ 2 संस्थाएं काम कर रही हैं, स्वामी विवेकानंद आश्रम और श्री रामकृष्ण सेवा आश्रम, जो आसपास के इलाकों में रहने वाले जरूरतमंद लोगों के लिए चिकित्सा सुविधा केंद्र के रूप में काम कर रही है। सो हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आज के इस नए मोटो व्लॉग में। तो दोस्तों, आज एक बार फिर से हम करने जा रहे हैं मोटो व्लॉगिंग। तो आज हम घूमने जा रहे हैं श्यामला ताल। तो आगे ब्लॉग में बने रहिए, और अभी तक का अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो नीचे जाके यार चैनल को सब्सक्राइब कर लो, ताकि इस तरह की वीडियो आप मेरे चैनल पे देखते रहें और एक से एक आपको मोटो ब्लॉग देखने के लिए मिले। तो चलिए सीधे चलते हैं श्यामला ताल की ओर और आपको मैं दिखाता हूँ कि वहाँ के नज़ारे किस तरह के होंगे। ठीक है, तो चलिए चलते हैं। सो गाइस, यहाँ पे मैं पहुँच गया हूँ श्यामला ताल में, और श्यामला ताल में यहाँ पे आप देख सकते हैं कितनी ब्यूटीफुल लोकेशन है श्यामला ताल, और इतनी शांति है, और मौसम यहाँ पे इतना प्यारा है ना। किस टाइम आ जाती है धूप, और किस टाइम आ जाती है एकदम से छाया, धूप चले जाती है, और बहुत ही ब्यूटीफुल जगह है, और मौसम काफ़ी अच्छा है। टेम्परेचर इतना अच्छा है कि तुम आराम से यहाँ पे रह सकते हो। जहाँ पे मैं रहता हूँ टनकपुर, वहाँ पे तो बहुत गर्मी है, बट आप अगर टनकपुर से हो तो यहाँ पे आके आप टाइम स्पेंड करोगे तो आपको मज़ा आ जाएगा। और यहाँ पे के नज़ारे मैं आपको दिखाता हूँ, देखो कितना ब्यूटीफुल सा लेक है। तो यहाँ पे आप बोटिंग भी कर सकते हैं, देख सकते हैं यहाँ पे बहुत सारी बोट आपको देखने के लिए मिल जाएगी। भैया मिलेंगे आपको यहाँ पे, जो आपको बोटिंग करवाएंगे, और बोटिंग के चार्ज यहाँ पे हैं। कितने चार्ज हैं भैया? 50 पर हेड। तो बहुत ही नाम मात्र के चार्जेस हैं, 50 रुपये में आप पर हेड बंदा यहाँ पे आ सकता है। फैमिली को भी लेके आ सकते हो, और अपना गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड या जो भी अपने दोस्तों के साथ आ सकते हो और यहाँ पे इंजॉय कर सकते हो। बहुत ही ब्यूटीफुल जगह है, और बाकी मैंने लिए हैं इस जगह के ड्रोन शॉट। आप ड्रोन शॉट देखना, ड्रोन शॉट में आपको मज़ा आ जाएगा, इतनी ब्यूटीफुल जगह लग रही है ड्रोन शॉट में। तो अगर आपको ड्रोन शॉट पसंद आएंगे कमेंट ज़रूर करना, और अगर चैनल में नए हैं, चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है, तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर देना और वीडियो को लाइक कर देना। और अगर आपके दोस्त यहाँ आना चाह रहे हैं तो शेयर कर देना वीडियो उन लोग के साथ जो आना चाहते हैं श्यामला ताल में। तो चलिए मैं आपको दिखाता हूँ अब ड्रोन शॉट। तो गाइस, अब यहाँ से जाने का टाइम आ गया है। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक कर दें, प्रेस दी बेल आइकन, ताकि इस तरह की उत्तराखंड से ब्यूटीफुल ब्यूटीफुल जगह घूमने की मोटो ब्लॉगिंग मेरे चैनल पे आप देखते रहें। मैं मिलता हूँ आपको अगले ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।